real serious effort to get towards anywhere. ये आपने टैक्सेशन कहा जी हमने कहां से कहां बढ़ा दी. डू यू नो व्हाट टारगेट्स यू मिस्ड. आपको पता है आपने 30-30% से अपने टारगेट मिस किए. और फिर कहा कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे. ग्रेट, हम तो रिग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तो हम बिलीव ही नहीं करते. पाकिस्तान का एक मेजर मसला थ्रू आउट द ईयर रहा है रिग्रेसिव टैक्सेशन. तो आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को छोड़ दिया. आपने इनकम टैक्स पे कहा नहीं वो खुद ऑटोमेटिकली 20% से बढ़ जाएंगे. लेकिन कोविड लगा हुए कारखाने बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन 20% इनकम टैक्स हमें ज्यादा मिल जाएगा. बिकॉज वी एक्सपेक्टिंग अंडर कोविड फॉर पीपल्स इनकम टू ग्रो. व्हाट आर यू टेकिंग आई मीन रियली वी नीड टू सी कि क्या एक कोई इल्यूजनरी आप लोगों के अराउंड एक कोई रियलिटी चेक ना होने की क्या तरीका है ताकि हम भी शायद खुशी में बैठ जाए कहीं कि नहीं ऑल इज ग्रेट. मिस्टर स्पीकर, जो इस हुकूमत की एक सिंगुलर विजन रही है वो रही है बैग बोरो एंड स्टील. डैम बनाना है, बैग कर लो. पाकिस्तानियों डैम के लिए पैसे दे दो. हर जगह प्राइम मिनिस्टर का फंड. फिर कोई गया तो डैम का भी खत्म, डैम का जोश खत्म. अब कोविड आ गया है, पाकिस्तानी बहुत बुरी तरह हिट हो रहे हैं. बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब, हर कोई हिट हो रहा है. लोगों के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है. लाइक आई रन अ वेरी स्मॉल बिजनेस. माई फर्स्ट responsibility towards the people I employ. That is what a state's first responsibility ought to be, towards its people. आप भूल जाते हैं profits, आप भूल जाते हैं कि आप आगे बढ़ सकें. आप कहते हैं कि जो लोग आपकी employment में हैं, जो आपकी जिम्मेवारी है, आप किस तरह. Mr. Speaker, I think this government has no idea as to how badly this has hit the country and the businesses. To say कि जी हमारा income tax हम नया कुछ नहीं लगाए लेकिन फिर भी 20% चल जाएगा. और बाकी आपने तमाम income tax लगा दिया. इनडायरेक्ट इनकम टैक्स. यू नो व्हाट इनडायरेक्ट इनकम टैक्स इज मिस्टर स्पीकर. यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रीट पे पैसे मांग रहे हैं, जो लोग इस सवाल में बैठे हैं, जो बड़े से बड़े बिजनेस ओनर है, और जो छोटा सा छोटा जिसके पास काम भी नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन इक्वली हिट करता है. इज दैट स्मार्ट? मे आस्क इफ दैट इज स्मार्ट एंड इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ दैट. मिस्टर स्पीकर फिर क्या हमें कोई विजन नजर आ रही है इस बजट में? बहुत कहा गया जो PSEs ब्लीड कर रही हैं. PSEs हैव बीन द बेन ऑफ दिस कंट्री. इट वॉज रिक्वायर्ड दैट दे वर फिक्स. एंड जो हुकूमत अपने पहले 3 महीने में कुछ नहीं कर सकती वो आगे भी कुछ नहीं कर सकती. इनको 2 साल हो गए हैं लेकिन इनसे कुछ पूछा जाए ये कहते हैं आपको याद है पीछे कितना गंदा किया. भाई पीछे तो गंदा हुआ लेकिन पीछे अच्छा भी बहुत हो गया. आप बता दें कि आपने अच्छा कुछ कर दिया. आई टोल्ड यू ऑफ द हिस्टोरिक रॉन्ग्स दैट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज वेरी प्राउड टू हैव ट्राई टू फिक्स. The PMLN takes some pride in the fact कि उन्होंने highways बनाए, motorways बनाए. Pakistan People's Party takes great pride in the fact that Sindh में we have hospitals which are comparable to the best in the world. And we take great pride, Mr. Speaker, let me say that. We take great pride in the fact that till the time this country was following the lead of Pakistan People's Party and its government in Sindh on COVID, that WHO was saying Pakistan was handling this the most responsibly, one of the best countries. Aur ab Bloomberg articles likh raha hai ki Pakistan se seekho kya nahi karna. How Pakistan took its COVID crisis from a non-crisis and into a full-blown crisis. Because we are very smart. We will do smart lockdown. Puri duniya hamare peeche hai. So it's like the effort is not to contain COVID. The effort is to ensure that people are fooled to believe that we have all the answers. You need to be realistic. You need to tell people what the reality are, what you can do, what you cannot do. And please don't try and camouflage and repackage things. Mohtarma, takriban 18 minute ho gaye hain. Aur 40 minute sirf aapki party ke rehte hain, to main chahunga ki aapki party ke zyada se zyada log bol sakein. To isliye aap mukhtasar kare. I will just wrap up in like less than 5 minutes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, phir ek interesting baat hai. Aur bahut As someone, again, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में MNAs का के लिए फंड रखे कि वो अपने हलकों में काम करवा सके. और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगेन बुराई है अच्छाई है. वो समझते हैं कि जिसको पाकिस्तान की अवाम ने इलेक्ट कर दिया, बेशक वो PMLN का है, पीपल्स पार्टी का, PTI का, माशाल्लाह उसको कोई था ही नहीं शायद, वो उस अवाम का मुंतखब नुमाइंदे हैं. दे डिजर्व टू गिव बैक टू द पीपल. PTI में बिलीव किया जाता है कि जिसको अगर अवाम ने PTI का मेंबर को सिलेक्ट किया तो उनको दे डिजर्व इट. अगर उनको नहीं सिलेक्ट किया तो अवाम को पीसो, उनको डेवलपमेंट ना करने दो, उनको गरीब से गरीब कर बना दो. और फिर उनसे पूछो कि आप लोगों ने क्या किया इतने दौर में. दिस इज स्पीकर, इट्स ह्यूमिलिएटिंग, इट्स एम्बैरेसिंग एंड इट इज सैड. Page 33 बजट इन ब्रीफ. दिस दिस थिंग कॉल्ड द SDG एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. 24 अरब रुपए उसमें लिखे हुए हैं.
जो कि सिर्फ पीटीआई के एमएनएस को जाते हैं डेवलपमेंट करने के लिए. आप तो इसको करप्शन कहते थे. डिडंट यू थिंक दैट दिस इज करप्शन? वी नेवर थॉट इट वाज करप्शन बिकॉज वी फील कि जो मुंतखब बंदा है उसको पता है. लेकिन क्या आप बिलीव करते हैं कि सिर्फ आप लोग मुंतखब हैं और जिन्होंने जिन लोगों ने उनको आप पीसेंगे कि उन्होंने इमरान खान को हैंडसम इनफ ही समझा उसको वोट करने के लिए? विल यू मेक देम पे बाय नॉट गिविंग देम डेवलपमेंट? इज दिस द ईथॉस? इज दिस व्हाट यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे? और मिस्टर स्पीकर, फिर मैं अगर बिकॉज आपको पता है मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और हैरानगी होती है यहाँ पे हमें बताया जा रहा है फलसफाएं दी जा रही हैं, फिलोसफीज दी जा रही हैं ऑन हाउ वी हैव रिफॉर्म द हेल्थ सेक्टर. गेस व्हाट, हेल्थ सेक्टर में आप जरा जाके किसी देही इलाके में देखते हैं अब आप लोग मेडिसिन भी नहीं देते फ्री. आप कहते हैं दिस इज अ लग्जरी पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर बिकॉज ये नया पाकिस्तान है. आपको पता है लाइनों में लगा के कौन गया होता है वहां पे? आपके ख्याल से आपके मेरे जैसे लोग गवर्नमेंट की अस्पताल की सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, ओपीडी में जाते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते. ये पाकिस्तान के लोग मुजफ्फरगढ़ में आप जाके देखें लोगों को दवाएं नहीं मिल रही और आप बात करते हैं जी सिंध की बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांट टू डू. देन मिस्टर स्पीकर, हमने कहा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक किसी किस्म की यूनिवर्सिटी नहीं है. हमने बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कॉलेज वहां गर्ल्स डिग्री कॉलेज पिछले द्वार में बनवा लिया. बट इस दफा हमारी कोशिश थी कि नए पाकिस्तान में शायद हम एक सैटेलाइट यूनिवर्सिटी का वहां पे इनकाद कर सकें. नॉट वांटिंग टू टेक एनी ब्राउनी पॉइंट्स बट वी लुक एट व्हाट इज हैपेंड टू द एचईसी बजट. एचईसी बजट को आपने स्लैश करके उनको पास सैलरीज पैसे देने के लिए नहीं है. मिस्टर स्पीकर, क्या ये आपकी विजन है इस मुल्क को आगे लेके जाने की? क्या इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं? मिस्टर स्पीकर, आई वॉन्ट टू ऑल्सो से दैट आप जो रियलिटी है और जो परसेप्शन है उसमें जो फर्क है वो प्लीज हमारी खातिर नहीं इस मुल्क की खातिर, क्योंकि आपका मुकाबला हमारे साथ नहीं है, आपका मुकाबला अपने साथ अपने आप के साथ है. बिकॉज आप जैसा इनकॉम्पिटेंट माशाल्लाह इस मुल्क में कभी आया नहीं है, जिसने मुल्क को जहां जहां वो था वहां से कहां तक. मुल्क हमेशा बहुत अच्छे हालात में नहीं था, हम सारे जानते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह दिखा दिया कि बाकी लोग जिनको हम खुद अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझते थे जितना आपने दिखा दिया.